और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2022 के लिए बीजेपी की टीम का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। धर्मेंद्र प्रधान यूपी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव को पंजाब की कमान सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस को गोवा का प्रभारी बनाया गया है और पंजाब और मणिपुर की कमान भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है। 2022 के लिए पार्टी कमर कस चुकी है और अब प्रभारियों का ऐलान किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रभारियों के नाम की घोषणा की है। लिस्ट जारी हो गई है। 5 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी के चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम का ऐलान हो चुका है। प्रभारियों के नाम की घोषणा की है। 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है और आज प्रभारियों के नाम की घोषणा पार्टी ने कर दी है। 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा ऐलान। 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की घोषणा की है। देवेंद्र फडणवीस को गोवा की कमान सौंपी गई है। वहीं भूपेंद्र यादव पंजाब में चुनाव का दायित्व संभालेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं नितिन। नितिन, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रभारियों के नाम की ऐलान कर दी है, क्या कुछ जानकारी देंगे? राज्यों में चुनाव होने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, इनकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, पंजाब में भूपेंद्र यादव, गोवा में देवेंद्र फडणवीस, मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव का नाम शामिल किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव होने तो है, लेकिन सबसे अहम चुनाव उत्तर प्रदेश का ही होना है। और अगर हम इस वक्त हम देखें तो जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि वो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, इस वक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और भी कई सारे विभाग उनके पास हैं, तो ऐसे में इसके पहले उनका क्या बैकग्राउंड रहा है चुनावों को लेकर, ये सबसे अहम है। क्योंकि इसके पहले भी भूपेंद्र, अगर हम बताएं धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, तो उसके पहले भी कई सारे चुनाव में वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, कई जगहों की, कई जिलों की, कई प्रदेशों की उनको पहले भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। जहां पर बीजेपी ने चुनाव लड़े हैं या बीजेपी मजबूती से नहीं आ पा रही थी, वहां पर उन्होंने बेहतर रिजल्ट करके दिया है बीजेपी को। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच नहीं जा पा रही है। तो अब उसकी जो जिम्मेदारी है वो धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है और वो कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रत्याशियों की घोषणा भी करनी है, आने वाले दिनों में जो मंडल और जो बूथ लेवल पर जो टीम है उसे भी मजबूत करना है। तो ये सारा जो काम है अब धर्मेंद्र प्रधान देखने वाले हैं। और उसके साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो केंद्र में इस वक्त और भी नेता मंत्री हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर जैसा नाम शामिल है, उसको भी सह प्रभारी के रूप में बीजेपी ने शामिल किया है। और अब इन सबकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पुनः जिताने की होगी। बिल्कुल नितिन जी, धर्मेंद्र प्रधान पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ की कमान धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। कितना खास ये, कितना अहम साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, क्या कुछ प्रोफाइल रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, जाना चाहेंगे? देखिए धर्मेंद्र प्रधान पहले पेट्रोलियम मंत्री रहे, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, और उसके अलावा अगर हम बताएं तो पार्टी से जुड़कर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। कई ऐसे प्रदेश, कई ऐसे राज्य रहे हैं जहाँ पर बीजेपी का जो अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो बहुत अच्छा नहीं रहा, वोटिंग परसेंटेज अच्छा नहीं रहा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसी जगहों पर काम करके बीजेपी का जो वोट परसेंट था उसे भी बढ़ाया, बीजेपी को अच्छे रिजल्ट दिलवाए और जो संगठन था उसे मजबूत करने के लिए काफी कोशिशें की। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो नतीजा होता है वो कहीं ना कहीं केंद्र में जाकर बहुत इफेक्ट डालता है। और 22 के बाद जो केंद्र का चुनाव होना है 24 का, उस पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर रहेगी कि अगर बीजेपी यहां पर 22 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतती है तो बाकी केंद्र का जो चुनाव है वो उसके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को जब इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाकी अलावा उनकी जो और जो टीमें हैं उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, तो कोशिश यही है कि जिस तरह से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी के लिए बेहतर रिजल्ट दिए हैं अलग अलग प्रदेशों में, उसी तरह का बेहतर रिजल्ट इस बार उत्तर प्रदेश में भी दें वो। नितिन जी देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को तो प्रभारी बना दिया गया है, बाकी प्रभारियों की भी घोषणा कर दी है पार्टी ने, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी, किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, क्या कहेंगे?
देखिए उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव हम बताएं तो कई सारे प्रमुख मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है, उत्तर प्रदेश में नौकरी को लेकर और महंगाई को लेकर कई सारे जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर बीजेपी को लगातार जो विपक्षी दल है वो घेरती आई है, और कहीं ना कहीं जो जनता है उसके मन में भी कई सारे सवाल जो है वो बीजेपी को लेकर खड़े हैं कि अगर फिर से ये सरकार रिपीट करती है तो हमारे ये काम होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक कोर वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अभी भी है, लेकिन जो वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया है, क्योंकि अगर हम बताएं तो 2017 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में काबिज हुई थी एक लंबे समय बाद और 325 सीटें जीतकर वो आई थी, तो कई सारे विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को अपना सपोर्ट दिया था जो उनके साथ सरकार में थे, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ लोग उनसे अलग हो गए। तो अब वो जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ खींचना है, ओबीसी वोटर कैसे अपनी तरफ खींचना है, ये सारा जो काम है ये धर्मेंद्र प्रधान के कंधे पर ही रखा गया। और इसके अलावा जो विपक्ष का सवाल होगा या फिर जनता के मन में जो शंकाएं होंगी उन शंकाओं को कैसे दूर किया जाएगा, ये सारा जो काम ये सारा जो बीड़ा है वो धर्मेंद्र प्रधान एंड टीम करने वाली। नितिन जी, क्या ये माना जाए क्योंकि अब प्रभार सौंप दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े राज्य का धर्मेंद्र प्रधान को, तो अब जल्द ही लखनऊ में नजर आ सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान? बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि अगर हम आपको बताएं तो बीते दिनों में अगर हम कुछ ही महीनों का अगर हिस्ट्री उठाकर देखें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो अमित शाह का भी दौरा हो चुका है, जेपी नड्डा भी कई बार यहां पर आ चुके हैं, कई सारे जो संगठन के मंत्री हैं उन्होंने भी यहां पर दौरे किए हैं, क्योंकि चुनाव करीब था, चुनाव स्तर पर था और कहीं ना कहीं सबसे फीडबैक लिया गया है, विधायकों से बातचीत हुई है, मंत्रियों से बातचीत हुई है, विभागों का लेखा जोखा जांचा गया है, जनता के बीच में भी सर्वे कराया है बीजेपी ने, और कहीं ना कहीं उसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी कर उत्तर प्रदेश में लाया जाए। और अब बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में धर्मेंद्र प्रधान दिखाई भी देंगे, और कहीं ना कहीं प्रयास उनका यही रहेगा कि अब संगठन को, क्योंकि कई सारे जो नेता मंत्री विधायक भी हैं जिनकी बात जो बैकडोर से सुनने में आ रही है कि वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, मौजूदा सरकार से नाराज है, तो उनको कैसे मनाना है, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है आने वाले दिनों में, इस पर जो चर्चा विचार विमर्श है ये धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो कोर की टीम है बीजेपी की उसके साथ वो बैठकों के दौरान उसका फैसला लिया जाएगा। जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी। तो 2022 के चुनाव में बीजेपी मैदान में उतर चुकी है और अब प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं 2022 में, जिनके चुनावी प्रभारियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है, चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान अब से कुछ ही दिनों में लखनऊ में नजर आ सकते हैं, नेताओं को मनाते दिख सकते हैं, विधायकों से बात कर सकते हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं।